दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड बहुत जोरों शोर से जारी है और यही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड अब पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। आप दोस्त पहले से इसके बारे में सुन चुके होंगे कि लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कैसे। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड स्टार्ट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर आपका अकाउंट बना होना चाहिए। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सिखाने जा रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। मैं के न्याजी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HP लाइफ विद कलीम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट इन पाकिस्तान। जी तो गाइस, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे हम सर्च इंजन में लिखेंगे बाइनेंस, तो हम यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी कंट्री से, आपके पास अपने कंट्री का ऑप्शन आएगा, उसको आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना जीमेल एड्रेस देंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। याद रखें पासवर्ड में एक डिजिट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद फिगर भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद आपके पास रेफरल आईडी का ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो इसको छोड़ दें। उसके बाद जो है वो आपके पास दो ऑप्शन नीचे आ रहे होंगे, ऑलरेडी एक टिक है आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस टर्म एंड सर्विस, उसको टिक करने के बाद आपने जो है क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस टाइप की एक पजल ओपन होगी, उसको जो है वो आपने उसके नीचे जो उसका शेडो टाइप बना हुआ आ रहा है उसके साथ मिलाना है ड्रैग करके। आप अगर उसको लेफ्ट राइट छोड़ेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, जब आप उसको एग्जैक्ट मिला देंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपने जो अपना ईमेल एड्रेस दिया उसके ऊपर इन्होंने आपको ईमेल करके एक कोड सेंड किया है, उसको आपने अपने इनबॉक्स में जाके चेक करना है। जब आप वहां जाते हैं तो बाइनेंस की तरफ से आपको ईमेल आ चुकी होती है, उसके अंदर एक जो है वो कोड उन्होंने भेजा है, आप इसको कॉपी कर लें या फिर इसको याद करने के बाद वहां पे टाइप कर लें। अगर आपने कॉपी कर ली है तो इसको यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद आपका ईमेल वेरीफाइड हो गया है और आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो है वो बाइनेंस का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आपका बाइनेंस का अकाउंट सिर्फ क्रिएट हुआ है। अब हम अगले स्टेज पे जाते हैं और तब ही हम क्रिप्टो करेंसी में जो है वो मजीद आगे चल के काम कर सकेंगे, जब हम इस अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहां पे बाइनेंस ऐप डाउनलोड करेंगे। तो ये तो गाइस, मैं अब सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया है और मैं इसके सर्च इंजन में लिखूंगा बाइनेंस ऐप, उसको मैं ओपन करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा। इट विल टेक सम टाइम और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको डायरेक्टली यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं या अपने सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर जाके वहां पे आपके पास जहां पे अपलोड होगा वहां से भी आप कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री से होंगे आपके ही कंट्री का ऑप्शन जो है वो सबसे ऊपर आ रहा होगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट को जो है वो आप क्लिक कर देंगे। तो आपके पास इस टाइप का सरफेस ओपन होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुई है, ये यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जब आप उसको करने के बाद टिक करते हैं तो आपके पास ये पजल आती है। पजल को ड्रैग करके एक्यूरेटली उसके ऊपर लेके आना होता है, अगर आप इधर उधर छोड़ेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगी। तो आप एक्यूरेटली लेके आएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो वेरिफिकेशन कोड आपके जीमेल एड्रेस के अंदर भेज दिया जाएगा। आप इनबॉक्स के अंदर जाएंगे, वहां से इस कोड को कॉपी करेंगे या फिर आप इस कोड को यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे। अब आपने करना क्या है, आपने वेरीफाई नाउ के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके पास तीन किस्म के ऑप्शन आएंगे कि आपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो है वो देनी है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड की वेरिफिकेशन देनी है और फेशियल रिकॉग्निशन देनी है। इन तीन ऑप्शन को करने के लिए आपने नीचे कंटिन्यू का बटन है, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन ओपन होगा वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडल नेम देना है और लास्ट नेम देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, उसके बाद नेक्स्ट के कंटिन्यू के ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, पोस्टल कोड देना है और सिटी का नेम लिखना है। इसके बाद फिर आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। अब आपके पास अगले दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें जो है वो
इंग्लिश वाला आईडी कार्ड होना चाहिए। इंग्लिश वाले आईडी कार्ड को क्लिक करेंगे और उसकी दो कॉपीज जो है फ्रंट और बैक आप इसके ऊपर स्कैन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी इंग्लिश वाला जो है वो मैंने अप्लाई किया आया नहीं है, तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा। उसके साथ ही या फिर आपके पास अगर इंग्लिश वाला नहीं है और पासपोर्ट बना हुआ है तो आप पासपोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन आती है। आपने अपने सेलफोन के कैमरे को वहीं पे जो ऑप्शन आ रहा है उसको टिक करेंगे तो वहीं से वो आपकी जो है वो दो पिक्चर्स आप अपने फेशियल पे थोड़ा सा ऊपर को करेंगे नीचे को करेंगे वो दो पिक्चर लेगा और उसको कंटिन्यू कर लेंगे तो ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सारी करेंसीज आपके पास आ रही होंगी। आप किस करेंसी में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उसको सेल परचेज करना चाह रहे हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये तरीका डिटेल से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस के अकाउंट के अंदर जो है वो पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो खरीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप दोस्तों को अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए सब लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।